हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और सीसेट के आज के क्लास के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली प्रॉफिट एंड लॉस के। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आज की क्लास में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ प्रॉफिट एंड लॉस पे। बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इतना टफ भी नहीं है, तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस को थोड़ा सा अच्छे से समझ लो आप लोग, ठीक है। तो अभी देखो स्टार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, मेरे साथ साथ सोल्व करना है सभी ने सोल्व करना है। क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से मैं बताऊंगी, जो आपको इजी मेथड लगे वो आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है। और सी सेट में आते भी इसी तरह के क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, बाई सेलिंग ए वॉच फॉर 1440 ए मैन लॉसेस 10%। एक घड़ी है, उसको अगर वो 10% लॉस में बेचता है तो कितने की बेचता है, 1440 रुपए में बेच रहा है। कह रहा है कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 10%। तो अगर उसको 10% गेन लेना है तो वो कितने में बेचे, इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये काफी कॉमन सी टाइप है, बिल्कुल कॉमन सी टाइप है बेटा। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहले अगर मैं कहूं कि भाई मेरे पास में सेलिंग प्राइस गिवन है, ठीक है, सेलिंग प्राइस की हेल्प से मैं सीपी फाइंड आउट कर सकती हूँ। सेलिंग प्राइस गिवन है, लॉस गिवन है, सीपी आ जाएगा। अब जो सीपी है मेरे पास में और साथ में मेरे पास में गेन गिवन है, तो मैं इससे क्या कर सकती हूँ, नया एसपी फाइंड आउट कर सकती हूँ और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला लगाओगे। दूसरा एक अपने पास में ट्री मेथड है, बिल्कुल ही सिंपल सा। वो क्या कहता है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन है, ज्यादा फॉर्मूला के चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट समझो। देखो अगर मान लो मैं कहती हूँ 100 रुपए का मेरा प्रोडक्ट था, सीपी कितना था, 100 रुपए। उसने कहा कितने लॉस पे बेचा, 10% के लॉस पे बेचे, 10% के लॉस पे बेचा, दैट मींस कि उसने कितने का बेचा, उसको 90 रुपए का बेचा, 100 का प्रोडक्ट था, 90 का उसने बेच दिया। कह रहा है कि अगर उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए, अगर वो उसको 10% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है, तो इन दैट केस कितने का बेचेगा, 110 रुपए का। 100 पे 100 क्यों ले रही हूं मैं, उसका रीजन ये है कि 100 पे आप जब परसेंटेज कैलकुलेट करते हो तो बेटा बिल्कुल इजी है, प्रॉफिट है दैट मींस कि उतना ऐड कर दो, लॉस है दैट मींस कि उतना माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि बताओ कितने का बेचेगा। अब जो वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन होती है, जैसे अभी इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या गिवन है, इनिशियल आपका जो सेलिंग प्राइस है वो गिवन है, और हमारे पास यहाँ पे कितना है, 90 आ रहा है। तो आप कैसे कर सकते हो, 90 यूनिट्स की जो वैल्यू है, This is equal to 1440. One unit की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1440 by 90. Okay? और 110 units की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 1440 by 90 into 110. Okay? Simple. तो ये हो गया आपके पास में, 16 से कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा आपके पास में, हाँ जी बेटा ये आ गया आपके पास 1760 आ जाएगा। Then, कितना आ गया, 1760 रुपए। सिंपल, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला भी है अगर हम देखें तो, इसका ये वाला समझ आ गया सभी को। डायरेक्टली क्या है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता था, ये सोच के चलो कि एक चीज, एक वैल्यू है जो मुझे नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड, एक है जो मेरी रिक्वायर्ड है, एक ओल्ड है एक न्यू है। तो अब यहाँ पे अगर मेरे को न्यू एसपी फाइंड आउट करना है, तो न्यू एसपी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ओल्ड एसपी इंटू, ओल्ड एसपी इंटू 100 प्लस माइनस न्यू प्रॉफिट लॉस डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस ओल्ड प्रॉफिट लॉस। अब यहां पे बेटा प्लस और माइनस मैं क्यों लिख रही हूं, प्लस मींस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में आप ऐड कर दोगे, अगर लॉस हो रहा है तो आप उसको माइनस कर दोगे। तो यहां पे अपने पास में देखो ओल्ड एसपी कितना था, 1440, हां जी, क्या चाहिए मुझे, न्यू प्रॉफिट लॉस, न्यू क्या चाहिए मुझे, 110% का गेन चाहिए, दैट मींस कि 10 को मैं ऐड कर दूंगी, कितना आ गया, 110। ओल्ड क्या है, 10% का लॉस है, दैट मींस कि हम 10 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में 16 निम्न 144, तो ये हो गया बेटा आपके पास में, अगेन ये होगी वैल्यू 061, सेम ही आंसर आएगा, सिंपल, बताओ कोई इसके अंदर डाउट आ रहा, डन। नेक्स्ट देखो इसी तरह का क्वेश्चन है, अब ये इसका रिवर्स आ जाता है क्वेश्चन, कई बार
अभी क्या था आपके पास में, जो प्रॉफिट और लॉस था, रिक्वायर्ड और ओल्ड दोनों आपके पास गिवन थे और आपको एसपी फाइंड आउट करना था। अब ऐसा भी हो जाता है कि आपके पास प्रॉफिट और लॉस आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर और आपको गिवन है क्या, दोनों के दोनों एसपी गिवन है, ठीक है। तो अब देखो दोनों वही सेम मेथड आप यूज कर सकते हो। अभी मैंने आपको क्या बताया, न्यू एसपी इज इक्वल टू ओल्ड एसपी इनटू 100 प्लस माइनस न्यू प्रॉफिट लॉस डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस ओल्ड प्रॉफिट लॉस। ध्यान ना रहे तो हमेशा ध्यान रखना कि जो मुझे चाहिए, जो मेरा नया है उसको हमेशा हम ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो न्यू ऊपर आएगा, जो हमें नहीं चाहिए, जो पुराना है उसको हम नीचे कर देते हैं। कोई भी चीज न्यू आती है ऊपर आती जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो उसने यहाँ पे क्या कहा है कि ए बुक वाज सोल्ड फॉर 27.50, मींस पहले इतने में बेची तो उसको 10% का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। मींस जो यहाँ पे हमारे पास में ओल्ड एसपी है वो कितना है, 27.50, ठीक है, और प्रॉफिट कितना हो रहा था उसको, 10% का हो रहा था। इफ इट वर सोल्ड फॉर 25.75, दैट मींस कि जो नया एसपी है वो मेरे पास में कितना आ रहा है, इतना है, और उससे कह रहे कि बताओ कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। तो यहाँ पे जो न्यू है, न्यू हम क्या करते होते थे, प्लस माइनस कुछ करते होते थे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इनटू 100 प्लस माइनस न्यू प्रॉफिट लॉस। अब मुझे नहीं पता कि प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, सीधी सी बात है, अगर मान लो मेरा 100 से ज्यादा आंसर आता है दैट मीन्स कि प्रॉफिट आ रहा है, प्लस हो रहा है, और अगर मेरे पास में 100 से कम आंसर आ रहा है दैट मीन्स कि लॉस हो रहा है। और प्रीवियस क्या था अपने पास में, 10% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट मतलब 110। ओके, सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो बेटा, ये हो गया हमारे पास में, पॉइंट्स पॉइंट कैंसिल आउट कर दिया, 25 25 से हो गया हमारे पास 103, दैट मीन्स कि 103 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो ये 3 क्या है, प्लस हो रहा है ना, 100 प्लस है, प्लस है मतलब क्या हो गया हमारे पास में, 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अगर कम होता तो क्या होता, लॉस, दैट मीन्स कि 3% का क्या होगा, प्रॉफिट। डन, सो आंसर क्या आ जाएगा, 3% प्रॉफिट। ओके, दूसरा कौन सा था, ट्री मेथड। ट्री मेथड क्या कह रहा है, हाँ जी, ट्री मेथड, अभी मैंने आपको बताया कि भाई हमने क्या मान के चला कि 100 रुपए का था पहले, उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 110 रुपए में वो उसको सेल कर रहा है, ठीक है। दूसरा उसको नहीं पता, दैट मीन्स कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस चलेगा। अब उसने क्या कहा, पहले कितना था, 27.50, गिवन क्या है, ये इक्वल है किसके, 27.50 के, ठीक है, और ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट गिवन है, 25.75 के। सिंपल सी बात है। अब देखो क्या करोगे, जो वैल्यूज गिवन होती है पहले उसको रखेंगे, दैट मींस कि यहां पे आपके पास में बेटा 27.50 किसके इक्विवेलेंट है, 110 के, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 क्या फाइंड आउट करना है, 25.75 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितनी आ जाएगी, 110 बाई 27.50 इंटू 25.75 कितना आ गया, सेम आएगा 103, दैट मीन्स कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू 103, 100 प्लस 3 दैट मीन्स 3%। ओके, जो इजी लगे वो मेथड यूज कर लो, दोनों इजी है, दोनों ही इजी है। बट ये जो टाइप है ये इंपॉर्टेंट टाइप है, मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये टाइप है बेटा इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चंस मैंने रिवर्स भी करवा दिया आपको, फॉरवर्ड से जैसे आता वो भी करवा दिया, रिवर्स भी करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप है क्या, कह रहे इस शॉपकीपर सेल्स द गुड्स एट 8% लॉस, कह रहे 8% लॉस पे वो सेल कर रहे हैं। Had he sold it 750 rupees more, अगर वो 700 रुपए ज्यादा में उसको सेल करता, he would gain 7%, तो उसको 7% का प्रॉफिट हो जाता। अब उसने ये नहीं कहा कि इतने में सेल करता, उसने कहा मोर, मोर मीन्स कंपैरिजन कर रखा है यहाँ पे आपको के लिए, ठीक है। फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस, इनिशियल कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखो ये जो है, देखा जाए तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाला है, बताते हो देखो कैसे। ये कह रहा है कि भाई 100 रुपए का अगर मेरा प्रोडक्ट था, 8% लॉस में मैं अगर उसको सेल करती हूँ तो मेरा एसपी कितना आएगा, सीधा माइनस कर देंगे 92 रुपीज आ जाएगा,
ये सीपीए। दूसरा उसने क्या कहा, 7% का गेन, दैट मीन्स कि वो कितने में सेल करेगा, 107 रुपए में सेल करेगा। अब उसने यहां पे अपने क्वेश्चन में क्या कहा, हैड ही सोल्ड इट 750 रुपीज मोर बट हेयर वी हैड सोल्ड इट इन 15 रुपीज मोर। ठीक है, अब ये रुपीज नहीं है बेटा क्योंकि हमने 100 कंसीडर किया था, दिस वैल्यू इज अकॉर्डिंग टू दैट 100। ओके, दैट मीन्स दिस 15 यूनिट इज इक्वल टू 750। वन यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 750 डिवाइडेड बाय 15, दैट मीन्स 50। एंड व्हाट वी वांट, वी वांट कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमने क्या कंसीडर किया था, दिस इज 100, दैट मीन्स कि 100 यूनिट्स विल बी इक्वल टू व्हाट, इनटू 100, 50 इनटू 100 मीन्स 5000। ओके, सो आंसर क्या आ गया आपके पास, 5000 विल बी द करेक्ट आंसर। डन, क्लियर? हाँ जी, ये हो गया आपका बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आपको समझा दिया है कि ऐसे होएगा। बट अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझे तो यहाँ पे देखो, जो आपका प्रॉफिट और लॉस हो रहा है दोनों केसेस में, वो किस पे हो रहा है, सीपी पे हो रहा है। आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 8% का लॉस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 7% का गेन हो रहा है, दैट मीन्स की जो टोटल डिफरेंस, और ये क्या है, मोर, मोर मीन्स व्हाट, डिफरेंस इज गिवन हियर, द टोटल डिफरेंस इज इक्वल टू 15%। 15% ऑफ व्हाट, सीपी, 15% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 15% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 750। दैट मींस कि सीपी कितना हो गया, सीधी सी बात है बेटा, 5000 हो गया। देखो कितना इजी है। हाँ, बट ध्यान रखना, अगर यहीं पे अपने पास में लॉस है, लॉस है, दैट मींस कि अगर ये जीरो है तो मेरी वैल्यू ये यहां पे है कहीं पे, ठीक है, और ये 7 मेरा यहाँ पे है, तो जो टोटल डिफरेंस है वो दोनों के एडिशन के इक्वल होगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15% लेंगे। बट अगर लॉस लॉस होता है या प्रॉफिट प्रॉफिट होता है तो उस टाइम पे डिफरेंस का ध्यान रखिएगा, कहीं पे जल्दी में ना आपने कोई गलती नहीं कर देनी है। क्या करना है, अगर मान लो आपके पास में लॉस लॉस गिवन है या फिर प्रॉफिट प्रॉफिट गिवन है, देन इन दैट केस यू विल गेट द डिफरेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही अपने पास में क्वेश्चन के अंदर होता कि 8% प्रॉफिट, 7% प्रॉफिट, तो उस केस के अंदर क्या डिफरेंस आता, 1% का डिफरेंस आता। ओके, चलो जी नेक्स्ट देखें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया अपना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, कितने पे सेल कर रहे, 20% प्रॉफिट पे सेल कर रहे, हैड ही परचेज इट फॉर 10% लेस, अगर वो 10% लेस में खरीदता। अभी देखो क्वेश्चन था सिर्फ बेचने बेचने की बात हो रही थी, सेलिंग सेलिंग की बात हो रही थी, बट अभी उसकी जो कॉस्ट प्राइस है उसमें भी वो कुछ चेंज बता रहा है आपको, और सेलिंग प्राइस के अंदर भी चेंज बता रहा है। ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, शॉपकीपर सेल्स द गुड्स एट 20% प्रॉफिट। अगर हम कहें कि हमारा प्रोडक्ट कितने का है, 100 रुपए का है, तो और उसने उसको 20% प्रॉफिट के अंदर सेल किया है, तो कितने का सेल किया, तो इनिशियल एसपी कितना आ गया हमारे पास, इतना आ गया। यहां तक लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ये किया था, यहां तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं। अब क्वेश्चन यहां पे क्या है, हैड ही परचेज इट फॉर 10% लेस एंड सोल्ड 18 रुपीज लेस। यहां पे भी पॉइंट ध्यान रखना है बेटा, क्या है, यहां पे परसेंटेज है एंड हेयर इट इज इन रुपीज। ओके, तो कह रहा है कि अगर वो उसको 10% लेस में परचेज करता एंड 18 रुपीज लेस में उसको सेल करता, इन दैट केस ही वुड गेन 30%, तो उसको 30% का गेन होता। अब जो 30% का गेन कब कह रहा है वो, अगर वो उसको 10% लेस में परचेज करता, दैट मीन्स कि न्यू सीपी उसका कितना हो गया, 10% लेस, दैट मीन्स कि 90 रुपीज के अंदर वो उसको परचेज करता अकॉर्डिंग टू अस, ठीक है ना, 100 से 90 यूनिट्स के अंदर उसको परचेज करता और उसको 30% का गेन, 30% गेन के अकॉर्डिंग एसपी कितना आता है बेटा। हाँ जी, एसपी कितना आएगा तेरा, नहीं मैं 117। ओके, एसपी कैसे फाइंड आउट करते हैं, 30% का गेन, 130/100, पता चल गया कैसे आई वैल्यू। ओके, अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, यहां पे हमारे पास 18 रुपीज लेस, बट हेयर वी कैन सी दिस इज 3 यूनिट डिफरेंस, दैट मीन्स दिस 3 यूनिट इज इक्वल टू 18, वन यूनिट इज इक्वल टू 18/3, दैट मीन्स 6,
एंड व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट इनिशियल सीपी. इनिशियल सीपी कितना था अपने पास 100. दैट मींस कि 100 यूनिट्स किसके इक्वल हो जाएंगे आपके पास 6 × 100 मीन 600. ओके सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 600 विल बी द करेक्ट आंसर. बताओ कोई डाउट क्लियर है. स्टार्टिंग का जो सीपी था उसके ऊपर जितना प्रॉफिट दिया है उसके अकॉर्डिंग हमने एसपी फाइंड आउट कर लिया. नया सीपी उसके अकॉर्डिंग एसपी. दोनों का डिफरेंस आपके पास गिवन है, दोनों को इक्विवेलेंट पुट कर देंगे. ठीक है एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा इंपॉर्टेंट है ये वाली टाइप भी. ठीक है अच्छा जी उसके बाद एक और क्वेश्चन आपके पास में डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन. देखो क्या कह रहे हैं. राकेश हैड मनी टू बाई 8 मोबाइल हैंडसेट. राकेश के पास में कितना मनी है 8 मोबाइल हैंडसेट के जितना पैसा है उसके पास में. एंड फॉर ए स्पेसिफिक कंपनी बट रिटेल ऑफर वेरी गुड डिस्काउंट ऑन द पर्टिकुलर हैंडसेट. राकेश कुड बाई 10 मोबाइल हैंडसेट विद द अमाउंट ही हैड. अब उसके पास जो मनी था उसी से उसने कितने हैंडसेट परचेज कर लिए 10 परचेज कर लिए. बट वाज द डिस्काउंट रिटेल ऑफर. जरा जो रिटेलर है उसने कितना डिस्काउंट उसको ऑफर किया. देखो अब हम ये माने कि अगर मान लीजिए जो राकेश है राकेश के पास में कितना मनी है 8K मनी है. एक मोबाइल 1K का है कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है अब उसने इस 8K मनी के अंदर कितने मोबाइल हैंडसेट परचेज किए 10. दैट मींस कि 10K का जो प्रोडक्ट था वो उसने 8K रुपीज के अंदर परचेज कर लिए. सीधी सी बात है उसके पास पैसे कितने थे 8K थे. ठीक है अब उसने मतलब क्या है कि जो उसको डिस्काउंट मिला है वो कितने का मिला है 2K का मिला. तो यहाँ पे अगर हम डिस्काउंट परसेंटेज की बात करें तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ गया बेटा 10K × 100 दैट मीन्स कि 20%. कितना आंसर आ गया 20% आ गया. पॉइंट क्लियर है. देखो दोबारा समझाती हूँ. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बेटा. देखो अब यहाँ पे उसके पास में क्या कह रहा है कि 8 हैंडसेट के पैसे थे बट उसने 10 हैंडसेट परचेज किए. 10 हैंडसेट मतलब कि 10 के ऊपर सभी के ऊपर कुछ ना कुछ एमआरपी होगा. जो 10 सेट है 10 के ऊपर सभी पे एमआरपी होगा. दैट मींस कि जो एमपी है एक का अगर मैं मान के चलूं कि भी एक के ऊपर 1K है 1000 का है हम ये कर कुछ भी आप मान के कर चल रहे हो 1000 2000 कितना भी तो इसलिए मैं के मेंशन कर रही हूं. तो कितना आ गया 1K 10 के ऊपर 10K ही लिखा हुआ होगा. बट उसने उसको पैसे कितने दिए कितने पैसे में उसने उसको सेल किया. जो रिटेलर है उसने राकेश को कितने में सेल कर दिया. उसके पास तो पैसे 8 सेट के थे. दैट मींस कि उसके पास तो 8K थे. दैट मींस कि उसने कितने में सेल कर दिया बेटा 8K में सेल कर दिया. इसका मींस उसने डिस्काउंट कितना दिया है दोनों के डिफरेंस के इक्वल डिस्काउंट दिया. और जब डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा एमपी पे परसेंटेज कैलकुलेट होती है. दैट मींस कि डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एमपी इनटू 100. ओके कितना आ गया आपके पास 20%. सी सेट के अंदर लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं. लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं इस बात का ध्यान रखना कैलकुलेटिव नहीं आते ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं. तो थोड़ा सा उस हिसाब से सोच के चलना है आप लोगों ने. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 1000. कितना है मार्क प्राइस 1000 है. ए शॉपकीपर ऑफर्स 10% डिस्काउंट ऑन दिस शर्ट एंड देन अगेन ऑफर 20% डिस्काउंट ऑन दिस न्यू प्राइस. व्हाट इज द कलेक्टिव डिस्काउंट एंड हाउ मच विल यू हैव टू पे. और उसको फाइनली कितना पे करना पड़ेगा. देखो 1000 का प्रोडक्ट है बेटा. इसको दो तरीके से कर सकते हो. एक तो पहले प्राइस फाइंड आउट कर लो फिर डिस्काउंट फाइंड आउट कर लो. दूसरा पहले डिस्काउंट फाइंड आउट कर लो फिर प्राइस फाइंड आउट कर लो एज यू विश. अब वैसे अगर आपके पास में सिर्फ कलेक्टिव डिस्काउंट की बात हो रही है तो कलेक्टिव डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं. जो डिस्काउंट है कलेक्टिव डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट डिस्काउंट प्लस सेकंड डिस्काउंट माइनस फर्स्ट डिस्काउंट इनटू सेकंड डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100. कितना आ गया आपके पास 30 − 2 = 28%. क्लियर. अब 28% एक में ही है तो यही आंसर आ जाएगा आपके पास में. वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डिस्काउंट इतना है. तो अगर मैं उसका प्राइस देखूं कि भी कितना पे करना पड़ेगा उसको तो 1000 का था एमपी 28% उसको डिस्काउंट मिल रहा है. 28% का डिस्काउंट मिल रहा है दैट मींस कि 72% उसको पे करना पड़ेगा. 100 − 28 कितना आ गया 720 रुपीज. एक तो ये वाला मेथड है. दूसरा आप कैसे कर सकते हो आपके पास में अगर हम सीधा प्राइस पहले फाइंड आउट करें
अभी मैंने क्या किया, पहले डिस्काउंट फाइंड आउट कर लिया फिर प्राइस फाइंड आउट कर लिया। ऐसा भी कर सकते हैं, पहले प्राइस फाइंड आउट कर लिया फिर डिस्काउंट फाइंड आउट कर लिया। देख कैसे, प्राइस 1000 एमपी था, पहले उसको डिस्काउंट मिला है 10% का, दैट मींस कि कितना पे करना पड़ेगा 90%। फिर उसको डिस्काउंट मिला है 20% का, दैट मींस कि 100 में से 20 माइनस किया 80%। सोल्व करेंगे कितना आ गया, 720 रुपीज। अगेन तो डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट हो गया 1000 माइनस 720, दैट मींस कि 280। अगर हम परसेंटेज में डिस्काउंट फाइंड आउट करें तो कितना आएगा, 280 बाय एमपी 1000 इनटू 100 मींस 28%। दोनों मेथड है आपके पास में, कोई मर्जी आप चूज कर सकते हो। ऐसा भी कर सकते हो कि पहले डिस्काउंट फाइंड आउट कर लो, कलेक्टिव डिस्काउंट फाइंड आउट कर लो फिर प्राइस फाइंड आउट कर लो, या फिर पहले जो भी प्राइस पे किया है पहले प्राइस फाइंड आउट कर लो फिर डिस्काउंट फाइंड आउट कर लो। ओके, दोनों ही इजी है बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या क्या है। सुधीरा सोल्ड ए वॉच एट प्रॉफिट ऑफ 20%, had she bought at 10% less and sold it at 30 rupees less, then she would still have gained 20%. Find the cost price of the watch. Cost price आपको find out करना। अब देखो ऐसा question मैंने अभी कराया था आपको, एक बार खुद से try करेंगे, जल्दी से try करेंगे सभी सभी। अगर मैंने initial price consider कर लिया बेटा 100, जल्दी से सारे try करेंगे मेरे साथ में, ठीक है। उसने क्या कहा है कि 20% profit पे वो उसको sell करती है, 20% profit पे सेल किया, दैट मींस कि 120 का सेल किया उसने। अब साथ में क्या कह रहा है, हैड शी बोट एट 10% लेस, 10% लेस में उसको अगर परचेज करती, दैट मींस व्हाट कि जो उसका न्यू सीपी है वो कितना होता, 90। 10% लेस में परचेज करती और साथ में क्या कह रहा है, देन अगेन स्टिल सी गेन 20%, 20% का उसको अगेन गेन होता, 20% गेन, That means 108 rupees. Okay? अब यहां पे आप देख रहे हो जो difference है, अब यहां पे क्या कह रहे, 30 rupees less में sale करती, but here we can see the difference of 12. That means कि जो 12 units हैं, ठीक है, तो 12 units किसके equal given है आपके पास, 30 के। 1 unit is equal to 30 by 12. And what we want to find out? Initial CP by the cost price. तो 100 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, इनटू 100। ओके, 3 से बेटा ये आ गया 4 और ये हो गया 25, कितना आ गया आपके पास में, 250। डन, सो आंसर क्या आ जाएगा, 250। बताओ कोई इसके अंदर डाउट आ रहा, क्लियर। ऐसा ही क्वेश्चन किया था अभी हमने, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, क्लियर। ये बेटा 20% है, 10% नहीं, कैलकुलेशन तो हमने सही कर ली लिखने, दिस इज ओनली टाइपिंग। क्या करें, 20% का गेन, जब 20% का गेन आएगा तभी तो 108 आएगा ना। देखो 90 इंटू 20% का गेन कितना आ गया, 12 नहीं में 108। ओके, क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर, कोई भी डाउट आ रहा हो। दोनों केस में 20% का प्रॉफिट कह रहा है, पहले 20% हम 100 पे कैलकुलेट करेंगे, दूसरा 20% हम 90 पे कैलकुलेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्या कह रहा है। इफ करंट परचेज 10 ऑरेंजेस फॉर 25 रुपीज एंड सेल 9 ऑरेंजेस फॉर 25 रुपीज, देन फाइंड द गेन परसेंटेज। अब जब इस तरह से क्वेश्चन कोई भी आता है, काफी इजी क्वेश्चन है ये, देखो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे ये देखो कि हमें ये नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं। जैसे यहाँ पे ऑरेंज का है उसने, तो कितने ऑरेंजेस हैं, तो हमें पहले ये कंसीडर करके चलना पड़ेगा कि जो प्रॉफिट और लॉस जब भी आप कैलकुलेट करते हो तो सेम नंबर ऑफ आइटम्स होना चाहिए, ठीक है। या तो आप एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लो कि एक ही प्रोडक्ट का सीपी, एक ही प्रोडक्ट का एसपी, उसके बाद आप प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करोगे, या फिर कोई ऐसी वैल्यू ले लो जो दोनों के साथ डिविजिबल हो, ठीक है, सो दैट कि आप इजीली कैलकुलेट कर सको। तो उतने ही मीन सेम नंबर ऑफ आइटम्स होने चाहिए आपके पास में, उतने के ही आपका सीपी और उतने का ही एसपी होगा, तभी आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ही देखो, जैसे हम करते हैं, एक शॉर्टकट से बताती हूँ बेटा और आपको जो एक्जेक्ट जो मैथड है वो भी बताती हूँ, दोनों बताती हूँ यहाँ पे।
क्या कह रहा है, एक करंट परचेज 10 ऑरेंजेस 25 रुपीज में। अगर मान लो मैं ये कहती हूँ भाई 10 ऑरेंजेस यहाँ पे और यहाँ पे क्या है 9, अगर मैं दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लूँ, किसका 10 और 9 का, कितना आएगा आपके पास 90। और हम ये कहें कि भाई टोटल 90 ऑरेंजेस थी जो उसने परचेज और सेल करी है, टोटल कितनी थी 90 ऑरेंजेस थी। 90 मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि 90 एक ऐसा नंबर है जो इस 10 से भी डिविजिबल है और इस 9 से भी डिविजिबल है, मीन्स अपना जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि जो सीपी है ऑफ 10 ऑरेंजेस कितनी है 25, तो सीपी आपके पास में 90 ऑरेंजेस का कितना आ जाएगा बेटा 225 आ गया। ओके, सेम वे अगर हम देखें एसपी, तो उसने क्या एसपी ऑफ 9 ऑरेंज, 9 ऑरेंज के लिए क्या कह रहा है 25 रुपीज, तो सीपी ऑफ 90 ऑरेंजेस कितना आ जाएगा आपके पास में 25 × 10 250। अब देखो सीपी है मेरे पास 225, एसपी मेरे पास कितना है 250, दैट मींस कि क्या गेन, क्या हो रहा है गेन हो रहा है। अब मैंने क्या कहा इक्वल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, भाई 90 ये है 90 ये, दैट मींस कि हम बता सकते हैं कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट होएगा और प्रॉफिट कितने का हो गया 250 माइनस 225, दैट मींस कि 25 का, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 25 डिवाइडेड बाई व्हाट सीपी, सीपी यहां पे कितना आपके पास में 225 × 100, दैट मींस 11:1/9%। ओके, दिस वाज द बेसिक मेथड। अब दूसरा आप इसको डायरेक्टली ट्रिक से कर सकते हो, जैसे आपके पास लिखा हुआ है ना बेटा वैसे ही लिख लो। यहां पे क्या कह रहा है 10 ऑरेंजेस करंट परचेज, परचेज मींस सीपी, मींस सीपी ऑफ, देखो 10 products is equal to 25, SP of 9 product is equal to 25, यही लिखा हुआ। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया वैल्यू कितनी आ गई 225, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 250, दैट मीन्स CP 225, SP 250, यही तो था। मींस क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो गया 25 का, कितना आ गया 11:1/9%। अगेन द आंसर विल बी सेम, दोनों केसेस में आंसर तो सेम रहेगा, जो आपको इजी मेथड लगता है वो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, चलो जी एक और क्वेश्चन करें फिर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा, लॉजिकल क्वेश्चन है, कोई इसके अंदर इतनी कैलकुलेशन है, लॉजिकली सोचना है। सीसेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस टाइम पे सिंपल ध्यान रखो कि मेरे को लॉजिकली सोचना है, ये सोच के चलो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ए फ्रूट सेलर बाई सम ऑरेंजेस, जैसे उसने कहा सम, दैट मीन्स कि हमने अपने माइंड में कुछ सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है, एंड बाई सेलिंग 40% ऑफ दैट। अब जब हम अज्यूम कर रहे हैं अपने माइंड में, तो उस केस के अंदर आप क्या अज्यूम करें, जब यहां पे कह रहा 40%, दैट मींस कि एक ऐसी वैल्यू जो 40 जिसकी कैलकुलेशन करने में इजी हो परसेंटेज के साथ, दैट मींस कि हम 100 के टर्म्स में उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जब अज्यूम कर रहे हो तो उसको 100x आप अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट पूरी रीड करते फिर समझाते हैं आपको, एंड देन रियलाइज दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द ऑरेंजेस क्या है, ए फ्रूट सेलर बाई सम ऑरेंजेस एंड बाई सेलिंग 40% ऑफ देम ही रियलाइज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द ऑरेंजेस। कह रहे कि उसको 40% जब उसने सेल करी तो उसको लगा कि यार जितने मेरे पैसे गए थे वो तो मेरे सारे के सारे मुझे वापस मिल गए। ठीक है, दैट मींस कि उसने इतने प्रॉफिट पे उसको बेचा कि सिर्फ 40% जो आपके पास में 40% को सेल करने के बाद में उसकी जितनी भी कॉस्ट प्राइस थी उसको मिल गई है। एज द ऑरेंजेस बींग वो ओवर राइप, he reduces the price and sells 80% of the remaining oranges at half the previous rate of profit. यहाँ पे ये वाला कीवर्ड देखो क्या लिखा है, half of the previous rate of profit, means कि उसको पहले जितना profit हो रहा था उसके 0.5% profit के अंदर उसने उसको सेल कर दिया, and the rest of the oranges being rotten, खराब हो गए थे, and throw away, the overall percentage of profit, overall percentage आपको calculate करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो हम ये मान के चलते हैं कि भाई उसके पास में 100x ऑरेंजेस थे,
कितनी ऑरेंजेस थी, 100x ऑरेंजेस थी। अब 100x ऑरेंजेस का अगर मैं कहूं कि एक ऑरेंज का सीपी, वन ऑरेंज कितने की है, 1 रुपए की, तो 100x ऑरेंजेस कितने की होगी, 100x रुपीज की होगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। अब देखो उसने क्या कहा, 40% ऑफ देम उसने कितने में बेच दी, 100x रुपीज में बेच दी, तो 100x का जो सीपी है कितना हो गया उसके पास, 100x रुपीज हो गया। अब उसने 40% सेल कर दी, सेल कितनी कर दी, 40%, ठीक है, 40x उसने सेल कर दी, बच गई कितनी उसके पास, 60x बच गई। इसमें कोई दिक्कत? अब उसने क्या कहा कि वो 40% उसने सेल करी तो उसने रियलाइज किया कि उसके पास में पूरे पैसे आ गए, पूरे पैसे आ गए, दैट मींस कि अगर 40x ऑरेंजेस थी तो उसका सीपी कितना था उसके पास में, 40x, और जो 40x ऑरेंजेस थी उसका एसपी कितना हो गया उसके पास में, 100x, पूरे पैसे आ गए, दैट मींस कि उसको जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हो गया, 60x का प्रॉफिट हो गया। अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं तो उसको कितना प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100, ओके, तो कितना हो गया उसको, ये इसको हो गया प्रॉफिट 15 × 60, मींस 150% का उसको प्रॉफिट हुआ है, कितने पे, 40 ऑरेंजेस पे। अब यहाँ पे आप कहोगे कि मैडम आपने 40 क्यों लिया, बेटा मैंने 40 इसलिए लिया कि हम यहाँ पे जो उसको प्रॉफिट है उसने सेल तो अभी 40 ऑरेंजेस ही करी है ना, 40 ऑरेंजेस तो 40x रुपीस की थी, ठीक है ना, तो यहाँ पे उसको 150% का प्रॉफिट हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे उसने क्या कहा था कि जो बची हुई ऑरेंजेस थी, एज द ऑरेंजेस बीइंग ग्रो ओवर राइप ही रिड्यूसेस द प्राइस एंड सेल 80% ऑफ द रिमेनिंग ऑरेंजेस। अब इसकी 80%, दैट मींस कि 48x ऑरेंजेस उसने कितने प्रॉफिट में बेची है, हाफ ऑफ द प्रीवियस ऑफ प्रॉफिट, प्रीवियस रेट ऑफ प्रॉफिट, दैट मींस कि पहले उसने 150% पे बेची, अब उसने 75% प्रॉफिट पे उसको सेल किया है, और जो बाकी की जो 20% उसके पास में बची, दैट मींस कि जो उसके पास में बाकी की 12x बची है वो उसने थ्रो कर दी, दैट मींस कि जब उसने उसको थ्रो अवे कर दिया, दैट मींस कि इस पे उसको 0 रुपए का प्रॉफिट मिला, कोई भी उसको पैसा नहीं आया, क्लियर। अब देखो, अब जो 48x ऑरेंजेस थी, ठीक है, उसको 75% उसने सेल किया है, दैट मींस कि उसको कितने पैसे आए, यहां से देखो कितने की सेल हुई, तो एसपी ऑफ 48x ऑरेंजेस कितना निकल के आया उसके पास में, हाँ जी कितना निकल के आया बेटा, 48x इंटू 175, 75% था बटा 100, ओके, तो कितना निकल के आया, ये हो गया आपके पास में 25 से 25 छिके 150, 25 7 175, 25 × 100 और 4 से बेटा ये हो गया आपके पास में 12, 12 × 7 = 84, 48x रुपीस आ गए, 48x रुपीस आ गए उसके पास में, 100x रुपीस तो पहले आ गए थे, 84x और आ गए, दैट मींस कि टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल एसपी कितना आ गया उसके पास में, 184x, टोटल सीपी कितना था, 100x, दैट मींस कि उसको जो प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट कितना हो गया, 84x का अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो कितना हो गया, बाय 100x इनटू 100, दैट मींस 84% का, ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 84%, बताओ कोई डाउट इसके अंदर, क्लियर है, बिल्कुल कोई इसमें डाउट आ रहा, लॉजिकल क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट आपको समझाया इसलिए इतना कुछ लिख दिया मैंने, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, एक बार दोबारा से आप करके देखो, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1920 इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल एट 1280। कह रहे कि एक आर्टिकल है, अगर वो उसको 1920 में बेचता है तो उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, कुछ उसका सीपी होगा,
अगर उसको वो 1280 रुपीज के अंदर सेल करता है तो उसको लॉस हो रहा है, और साथ में क्या कह रहा है वो सेम हो रहा है, द प्रॉफिट परसेंटेज एंड आर्टिकल इज इक्वल टू द लॉस परसेंटेज। अब इक्वल है, अब परसेंटेज की भी अगर वो बात कर रहा है तो ये देखो बेटा प्रॉफिट लॉस परसेंटेज दोनों किस पे कैलकुलेट करते हैं, हम सीपी पे ही कैलकुलेट करते हैं, दैट मींस कि सेम ही आएगी वैल्यू, सेम ही आएगी। तो यहां पे देखो हमें पता है कि सीपी कितना होगा, मींस व्हाट कि ये जो वैल्यू है ये दोनों क्या है सेम है। मान लो मैं कहती भाई ये एक्स है, एक्स है, इसका मतलब क्या हो गया सीपी क्या होगा आपके पास में, एसपी माइनस एक्स 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1280। दैट मीन्स कि 2x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, इसको माइनस करोगे ये हो गया आपके पास में 12 से 4 और ये हो गया बेटा 8 से 6, x की वैल्यू हो गया आपके पास 320 रुपए। तो सीपी क्या आ गया, सीपी क्या आ गया, या तो आप इसके अंदर से इसको माइनस कर दो, 320 को माइनस कर दो कितना आएगा 1600, या फिर 1680 के अंदर 320 आप ऐड कर दो तो भी क्या आएगा आपके पास में यही आएगा। तो कितना आ गया आपके पास में सीपी आ गया। अब सीपी के बाद में क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक 25% प्रॉफिट, कह रहा अगर उसको 25% प्रॉफिट पे उसको सेल करना है तो कितना उसका एसपी होना चाहिए। तो देखो हमारे पास सीपी आ गया बेटा कितना 1600, प्रॉफिट कितना कह रहा है आपको वो 25%, दैट मींस कि कितना एसपी आ जाएगा 1600 इनटू 125/100, क्लियर कितना आ गया ये आपके पास में, सीधा भी कर सकते हो इसको। तो ये हमारे पास में जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 आ जाएगा, हाँ जी क्लियर। सीधा इसको ऐसे भी कर सकते हो ना, ये यहां से कर लो 25 125, 5 से करा ये 4 हो गया तो ये 2000, जैसे भी कैलकुलेशन इजी लगती है आपको डन। कितना आ जाएगा आपके पास 2000 विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहां पे क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि सीपी क्या होगा, तो सीपी कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। ओके सो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली कर लेते हो, देखो प्रॉफिट एंड लॉस पे 2-3 क्लासेस हो गई हैं, ठीक है। जिसने ये सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो पहले तो इस सीरीज को ज्वाइन करो सबसे पहला काम, ठीक है, क्योंकि अभी तक जितने काफी सारे लेक्चर ऑलमोस्ट इसके अंदर अपने 40 के अराउंड लेक्चर्स हो चुके हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग के दोनों के कंबाइंड है। तो आप वो जितने भी लेक्चर है वो आपको सभी के सभी विद पीडीएफ मिल जाएंगे, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। एग्जाम स्पेसिफिक सीरीज ये हमारी चल रही है तो वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो 3 लेक्चर्स के अराउंड आपके प्रॉफिट लॉस पे होगी, मतलब हर एक टॉपिक पे अलग अलग लेक्चर्स पड़े हुए हैं तो वो आप सभी के सभी चेक कर सकते हो, पीडीएफ अवेलेबल है, आपने खुद से सोल्व करने वहां से भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। दूसरा अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लेते हो, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं, वेल एंड गुड, नहीं तो आपको अगर पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आप माइक्रो कोर्सेज पे जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर माइक्रो कोर्सेज स्पेसिफाई किया हुआ है वर्ड माइक्रो कोर्सेज, ठीक है, तो माइक्रो कोर्सेज पे आप जाओगे, जब आप माइक्रो कोर्सेज पे जाते हो तो वहां पे आपको क्वांट लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश सभी के टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम प्रॉफिट लॉस एवरेज सारे के सारे टॉपिक्स अवेलेबल है। तो वहां पे आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक ले सकते हो कि भाई मेरा ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं है अभी, जैसे आपके पास टाइम है तो आप ऐसा कर सकते हो जैसे सिलेबस की कॉपी है आपके पास, देखा कि हाँ जी ये वाला टॉपिक हो गया मेरा टिक, ठीक है ये वाला टॉपिक हो गया टिक, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही सिर्फ उस टॉपिक को उठाया जी, यहाँ से आप माइक्रो कोर्सेज पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो, उस टॉपिक को लिया और उसके बाद में उसको पूरे को प्रिपेयर कर लिया। इसके अंदर बिल्कुल जीरो लेवल से एक एक कंसेप्ट समझाया हुआ है आप लोगों को, ठीक है, तो आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक अवेलेबल है, एक बार सभी के सभी क्या करेंगे डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक्स हैं एक्सप्लोर जरूर करके देखेंगे। अगर किसी को कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट है इन दैट केस कंप्लीट कोर्स आप ले सकते हो, जिसमें सारा का सारा सिलेबस पूरे का पूरा आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप वो भी कंप्लीट कोर्स लेना है कंप्लीट कोर्स ले सकते हो, सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आप कोर्स ले सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग में इशू आ रहा है लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश में इशू आ रहा है इंग्लिश, कंप्लीट चाहिए कंप्लीट लो, पर्टिकुलर एक एक टॉपिक की रिक्वायरमेंट टॉपिक लो, बिल्कुल फ्लेक्सिबल सिस्टम है बीपीडिया का। एक बार आप एक्सप्लोर करके देखेंगे सभी लिंक्स को, सभी के सभी नहीं करना है, ठीक है। अगर कुछ समझ आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे, और
जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ओके, सो इट वॉज ऑल फॉर टूडे. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.